Hello everyone, in this video you will learn how you can use group by function in Python pandas. In pandas, data frame dot group by function is used to split the data into groups based on some criteria. Okay, तो जैसे हम SQL में group by का use करते हैं, group by clause का use करते हैं, किस लिए? Table के अंदर जो columns होते हैं, right? Columns में जो क्या होता है, similar data होता है, उसकी grouping करने के लिए, right? ऐसे ही यहाँ पर data frame के अंदर जो columns है, columns के अंदर जो similar data है, उसकी grouping करने के लिए या हम किसका यूज करते हैं? ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करते हैं. ओके, ये टेबल को स्प्लिट कर देता है, डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स में क्या होता है? सिमिलर डेटा होता है. ओके, इन अदर वर्ड्स द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द सेम फील्ड आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ग्रुप. तो ये क्या कह रहा है कि एक फील्ड के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनका क्या बन जाता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है. जैसे ए के अंदर मान लो एक फील्ड के अंदर ए है टू टाइम्स ओके एंड बी है थ्री टाइम्स, राइट? तो क्या बन जाएगा? ए का ग्रुप बन जाएगा, बी का ग्रुप बन जाएगा, लाइक दिस. फाइन, रिक्वायर्ड फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन दीज ग्रुप. और ग्रुपिंग करने के बाद क्या करते हैं? जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं, ओके, ग्रुपिंग करने के बाद हम उन पर्टिकुलर ग्रुप पे एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं, ओके, एंड वी गेट द रिजल्ट. ऐसे ही यहाँ पे डेटा फ्रेम में ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद एग्रीगेशन करते हैं. एग्रीगेशन मीन्स वी कैन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस ऑन दीज ग्रुप्स. ओके, नाउ एग्रीगेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एग्रीगेट फंक्शन इज अप्लाइड ऑन ईच ग्रुप. तो आपको ये पता होना चाहिए एग्रीगेशन क्या होता है. एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन के अंदर आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करने के बाद जो ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो, राइट? और एग्रीगेट फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है? यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ग्रुप. आपको ईच ग्रुप से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू मिल जाती है. फाइन, एग्रीगेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एग फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन. एग्रीगेशन आप पांडास में एग्रीगेट फंक्शन कैसे अप्लाई करोगे? बाय यूजिंग द एग फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन. फाइन, पांडास ऑब्जेक्ट लाइक अ डेटा फ्रेम कैन बी स्प्लिट ऑन एनी ऑफ देयर एक्सेस, राइट? तो ये क्या कह रहा है? पांडास डेटा फ्रेम को आप किसी भी एक्सेस पे स्प्लिट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी. ओके, To understand this better, let us consider the data shown in the diagram given below. Okay, तो इस concept को समझने के लिए हम इस diagram को देखते हैं. Here we have a two column data frame, key data. तो हमारे पास यहाँ पे data frame है जिसके अंदर दो column है, key and data, right? We need to find the sum of the data column for a particular key. That is the sum of all the data elements with the key A, B and C respectively, right? तो हमें क्या चाहिए? A के data का sum चाहिए and B के data का sum चाहिए and C के data का sum चाहिए, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके, राइट, डेटा फ्रेम के कॉलम्स को डिवाइड करेंगे ग्रुप्स के अंदर. फाइन, तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय का यूज करके ए का ग्रुप बन गया है, बी का ग्रुप बन गया है एंड सी का ग्रुप बन गया है. ओके, राइट, अब यहाँ पे इन ग्रुप्स के ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इन ग्रुप्स के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. तो एग्रीगेट फंक्शन को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, सम फंक्शन को. ओके, तो ए का आपका क्या आ गया? सिंगल वैल्यू निकल के आ गया, सम निकल के आ गया है 15, आपका बी का 30 आ गया है एंड सी का आपका 45 आ गया है, राइट? तो ये आपका क्या बन गया है? ये दिस इज योर आउटपुट डेटा फ्रेम, और यू कैन से द डेटा फ्रेम डेट वॉज रिक्वायर्ड. फाइन, ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिकली करेंगे. पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, राइट, और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपने एग्रीगेट फंक्शंस. फाइन, सो फर्स्ट आपको क्या करना है? आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करें, डिक्शनरी से हम अपना डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. तो डिक्शनरी में को बनाने में टाइम वेस्ट ना हो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्शनरी बनाई हुई है, राइट? इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. सिंपल, हमने इसको कर लिया कॉपी, राइट? तो हमने सबसे पहले इम्पोर्ट कर लिया है पांडास को, राइट, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी. ओके, उसके बाद आपने क्या किया है, डिक्शनरी ले ली है. ओके, फाइन, अब हमें क्या करना है, इस डिक्शनरी से क्रिएट करना है अपना डेटा फ्रेम. df हमने ले लिया डेटा फ्रेम का मतलब नेम वेरिएबल. ओके, अब आप लोगे pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे. फाइन, और उसमें क्या करेंगे, हम अपनी डिक्शनरी को पास कर देंगे. फाइन, तो यहां से हम अपनी डिक्शनरी कॉपी करते हैं और उसको पास कर देते हैं, सिंपल. फाइन, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है और किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है, df वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है.
वी विल प्रिंट दिस डेटा फ्रेम, प्रिंट कर देंगे. अभी सिंपली मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, आई शो यू द रिजल्ट. नाउ सी, ये आपका क्या आ गया, डेटा फ्रेम आ गया है, राइट. तो यहाँ पे डिक्शनरी की जो कीज थी, टीम, किंग्स, ओके, ईयर एंड पॉइंट्स, वो क्या बन गया है, वो हमारे डेटा फ्रेम के कॉलम नेम बन गए हैं, फाइन. तो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया है. अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेम वैल्यूज, ओके. तो यहाँ पे देखो, टीम जो हमारी कॉलम है उसमें वैल्यूज क्या हमने सेम दिए, जैसे राइडर्स, डेविल्स, ओके. तो ये टीम्स के नेम है, आईपीएल टीम के नेम्स है, किंग्स, राइट, रॉयल्स, ओके. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे, फाइन. तो अभी हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, ओके. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं. प्रिंट स्टेटमेंट हम ले लेंगे, फाइन. डेटा फ्रेम आफ्टर ग्रुपिंग, राइट. डेटा फ्रेम आफ्टर ग्रुपिंग, ओके. मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, df1 इक्वल्स टू df.group by, और ग्रुप बाय में मैं कौन सा कॉलम पास कर देती हूँ, मैं पास कर देती हूँ टीम कॉलम को, फाइन, ओके. अब यहाँ पे देखो, जो df1 है वो क्या है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, राइट. और ये कौन रिटर्न करता है, ये ग्रुप बाय फंक्शन रिटर्न करता है, राइट, ओके. ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. और उस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसको मैंने df1 वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है, राइट. अब इस जो वेरिएबल है, जो ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, उसका क्या यूज है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, इसका ये यूज है कि हम इस पे अब कोई भी फंक्शन, ओके, या कोई भी एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, जो किसने रिटर्न किया है, ग्रुप बाय फंक्शन ने रिटर्न किया है, फाइन, ओके. नाउ आप मान लो, अब मेरे पास आ गया है डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर फंक्शंस को अप्लाई करूंगी. तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे रही हूँ, ओके, मैंने दे दिया displaying the first entry from each group. हमने टीम वाइज ग्रुप बनाए हैं, ओके, टीम वाइज ग्रुप बनाए हैं, और आपको ग्रुप वाइज फर्स्ट एंट्री क्या करनी है, डिस्प्ले करानी है, फाइन. तो यहाँ पे आप दे दो df1. अब मैं किसका यूज करूंगी, मैं df1 का यूज करूंगी, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट का यूज करूंगी, ओके. df1.first फंक्शन का यहाँ पे मैंने यूज किया है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज किया, राइट. एंड नाउ इंप्लीमेंट दिस. नाउ यू कैन सी, ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया है, ठीक है. डेविल्स जो आपका ग्रुप बनाए, देखो ग्रुपिंग हो गया, डेविल्स, किंग्स, राइडर्स एंड रॉयल्स की यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई है, राइट. और उनका क्या आ गया, फर्स्ट एंट्री मतलब रैंक में जो है, इसकी फर्स्ट जो रैंक दी है वो 2 है, देन किंग्स की 3 है, ठीक है, ओके. डेविल्स की यहाँ पे आप देख भी सकते हो, डेविल्स की देखो 2 है, फाइन. और किंग्स की जो आपने दी है फर्स्ट रैंक, जो सबसे पहला रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 3 है. ऐसे ही ईयर्स देखे, डेविल्स का 2014 है, देन किंग्स का भी 2014, लाइक दिस, ओके. एंड पॉइंट्स में जो सबसे पहली एंट्री है पॉइंट्स में, डेविल्स की क्या है, 863, ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, फाइन. और देखो, जिसने जो ग्रुपिंग की है वो अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की है, असेंडिंग ऑर्डर में की है, ओके, ओके. अभी हम क्या कर रहे हैं, साइज डिस्प्ले कराएंगे ईच ग्रुप का. तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसकी कमेंट, डिस्प्लेइंग साइज ऑफ ईच ग्रुप, फाइन, सिंपल. मेरे पास ऑब्जेक्ट है df1, राइट, डॉट साइज फंक्शन, साइज फंक्शन दे दिया, ओके, एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट. नाउ लुक एट द स्क्रीन. अब आप यहाँ पे देखो, आपका क्या आ गया, साइज आ गया है, फाइन.
तो यहाँ पे देखो साइज, अगर डेविल्स कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है, आपका किंग्स की 4 टाइम्स आया है, राइडर्स भी 4 टाइम्स आया है, आपका रॉयल्स 2 टाइम्स आया है, फाइन। तो इससे आपका साइज पता चल गया कि जो आपके ग्रुपिंग हुई है, राइट, टीम कॉलम की ग्रुपिंग हुई है, उसमें ये कितनी बार आया है, डेविल्स है वो कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है, लाइक दिस, फाइन। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट हम क्या डिस्प्ले करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे ग्रुप नेम। ओके की हेडिंग दे देते हैं ग्रुप नेम्स। ओके एंड उन ग्रुप के वो ग्रुप कहाँ पे आते, कौन कौन से रो इंडेक्सेस पे वो ग्रुप आए हैं, राइट, इंडेक्सेस। ओके ग्रुप नेम एंड रो इंडेक्सेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप, फाइन। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट डॉट, कौन से फंक्शन का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ग्रुप्स, इट्स नॉट अ फंक्शन, ये कीवर्ड है, इसका हम यूज करें ग्रुप्स, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करो, नाउ सी द रिजल्ट हियर। यहाँ पे देखो आपका ग्रुप का नेम आ गया डेविल्स, और कौन कौन से रो इंडेक्सेस पे वो आया है, 2 और 3 पे, फाइन। देन किंग्स का किस किस पे आया है, 4, 5, 6 और 7 रो इंडेक्स पे आया है वो, राइडर्स, मतलब यहाँ पे क्या आ गए, ग्रुप्स के नेम्स आ गए हैं और क्या आ गए हैं, उनके रो इंडेक्सेस आ गए हैं कि किस किस रो इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर ग्रुप्स आए हैं, फाइन। यहाँ पे देखो 0, 1, 8 और 11। ओके तो अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम हमने डिस्प्ले कराया है, तो यहाँ पे रो इंडेक्स आया है हमारा, रो इंडेक्स आया है एंड ग्रुप का नेम आया, राइडर्स आया जैसे 0 और 1, फाइन, 0, 1 और एंड कहाँ पे है, 8 पे भी है, 0, 1, 8, ओके एंड 11, फाइन, 0, 1, 8 और 11। तो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो राइडर्स का क्या वैल्यू आई है, इंडेक्स वैल्यू आई है 0, 1, 8 और 11, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गए, नेम्स, ग्रुप नेम्स आ गए हैं एंड रो इंडेक्सेस आ गए, ओके ओके। अब लेट अस सपोज आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना है, ठीक है, सारे ग्रुप्स का नहीं लेते हम, एक पर्टिकुलर ग्रुप का आपको डेटा प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग देती हूँ प्रिंटिंग डेटा ऑफ अ सिंगल ग्रुप, राइट। आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना है, राइट, तो सिंपल आप क्या करोगे, df1 यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लोगे, df1, ओके डॉट, और कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करना है हमें, get_group, फाइन। और इसके अंदर आप जो भी ग्रुप का डेटा प्रिंट कराना चाहते हो ग्रुप दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया किंग्स, ओके इसको एग्जीक्यूट करो, ओके नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर। अब देखो किंग्स का पूरा डेटा आपके पास आ गया है, किंग्स ग्रुप का पूरा डेटा आपके पास आ गया है, उसके इंडेक्स वैल्यू, राइट, रैंक, ईयर, पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे 4 टाइम्स आपका अपीयर हुआ था एज अ, ओके, तो ये पर्टिकुलर ग्रुप आ गया आपका, उसका कंप्लीट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ओके। लेट अस सपोज आपको क्या करना है, मल्टीपल कॉलम्स की ग्रुपिंग करनी है, फाइन। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपना वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, ओके, एंड इसमें मैं क्या करती हूँ, df डॉट ग्रुप बाय, ओके फाइन, एज अ लिस्ट आप क्या लोगे, कॉलम नेम्स ले लोगे, जिसकी जिसकी आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है, राइट। पहले हमने सिर्फ एक कॉलम लिया था टीम, अब यहाँ पे हम 2 कॉलम्स ले रहे हैं, टीम ले लेते हैं और ले लेते हैं रैंक, राइट, जिनकी हमें ग्रुपिंग करनी है, ओके। तो यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन जो ऑब्जेक्ट डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, df2 में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। अब हम df1 यूज नहीं करें क्योंकि df1 जो ऑब्जेक्ट था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए था, टीम के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम 2 कॉलम्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमने एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है df2, फाइन। आप देखो अगर आप df2 पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो, जैसे df2 पे मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया साइज, फाइन, तो क्या होगा, वो दोनों कॉलम्स को क्या करेगा, ग्रुपिंग करने के बाद उस पे साइज को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, राइट, एग्जीक्यूट करेगा। देखो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ उसको, अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे देखो दोनों की यहाँ पे टीम के बन गए ग्रुप्स, ओके, एंड रैंक्स की भी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द टीम्स ग्रुपिंग हो गई है, फाइन, अकॉर्डिंग टू द टीम्स ग्रुपिंग हो गई है, ओके, एंड साइज आ गया है।
कि डेविल्स में जो रैंक टू है वो वन टाइम आई है, रैंक थ्री है वो वन टाइम आई है, ओके किंग्स में जो रैंक वन है वो टू टाइम्स आई है, रैंक थ्री है वो वन टाइम आई है, राइट। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करने के बाद, दोनों कॉलम्स की ग्रुपिंग करने के बाद साइज जो आपका फंक्शन था वो उस पर अप्लाई हुआ है, उसका साइज बता रहा है कि कौन सी रैंक कितने बार आई है यहाँ पर, फाइन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, दो कॉलम्स की ग्रुपिंग की है। आप और भी ज्यादा कॉलम्स की ग्रुपिंग कर सकते हो, एज अ लिस्ट आप उनको पास कर दोगे ग्रुप बाय फंक्शन के अंदर, ओके ओके। अब हमें पता चल चुका है कि कैसे ग्रुप्स बनते हैं, राइट, ग्रुप बाय फंक्शन की हेल्प से, और कैसे आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अप्लाई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन को भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया डीएफ, जो मैं ऑलरेडी डेटा फ्रेम बना चुकी हूँ, राइट, उस पर मैंने किया ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ओके, और इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट पास कर दिया बाय, फाइन। तो जो बाय एट्रीब्यूट है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है वो कॉलम का नेम जो आप इस, जिसकी आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, या फिर लिस्ट ऑफ कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स जिनकी आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ एक कॉलम ले रही हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया टीम, मुझे मल्टीपल कॉलम्स नहीं चाहिए, फाइन। मैंने टीम से क्या कर दिया, ग्रुपिंग, ओके। मेरी ग्रुपिंग किससे होगी, टीम कॉलम से होगी, ओके। और अब मैं क्या करना चाहती हूँ, किस कॉलम पे मैं एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना चाहती हूँ पॉइंट्स पर, ओके, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, मेरा इंटीजर कॉलम है, तो मैं इस पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, पॉइंट्स डॉट, ओके, एग। तो आप तो या तो कंप्लीट एग्रीगेट लिख दो, या फिर आप क्या करो, एग लिख दो, राइट, ए डबल जी, फाइन। और इस फंक्शन के अंदर आप अप्लाई पास कर दो कि कौन कौन से फंक्शंस पॉइंट कॉलम के ऊपर अप्लाई होंगे। तो मैं चाहती हूँ मीन वैल्यू निकल के आ जाए, ओके, मीन वैल्यू निकल के आ जाए, ओके, एंड आपका मिन वैल्यू निकल के आ जाए, मिनिमम वैल्यू पॉइंट्स की, एंड मैक्स वैल्यू, ओके, ये आपका निकल के आ जाए, फाइन। फिर से देख लो, ग्रुप बाय के अंदर आपने कॉलम को पास कर दिया टीम, तो ग्रुपिंग होगी टीम कॉलम से, ओके। ग्रुपिंग होने के बाद, राइट, पॉइंट्स कॉलम ग्रुपिंग हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे, फाइन। पॉइंट्स कॉलम पे आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करो, मीन, मिन एंड मैक्स, राइट, ओके। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस। देखो अब आपका रिजल्ट आ गया है, यहाँ आपकी क्या हुई है, टीम कॉलम से हुई है, फाइन। और पॉइंट्स कॉलम का आपके निकल के आ गया है मिन, सॉरी मीन, ओके। मिनिमम वैल्यू डेविल्स में जो पॉइंट्स मिनिमम थे वो 673 थे, डेविल्स कॉलम में जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे वो 863 है, फाइन। ऐसे ही मीन वैल्यू आ गई है, किंग्स कॉलम का जो मिनिमम पॉइंट्स था वो 741 था और मैक्सिमम पॉइंट था 812, राइट, ओके। तो यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ गया है, फाइन। ओके एवरीवन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट।